Okay, hopefully now you all can hear me. Show your thumbs up if you can hear me. Show your thumbs up. You can hear me? Yes. Today I put you all on mute mode. मैंने आप सबको म्यूट करा है क्योंकि बहुत सारा आज की क्लास में हमारे बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड है. तो क्या है ना, हमने आपको म्यूट रखा है. हम आपको जब भी आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो. मैसेज करने पे आई विल रिप्लाई यू, ठीक है. और बाद में जब हमारी क्लास फिनिश हो जाएगी तो इन द एंड वी विल देयर विल बी अ क्वेश्चन आंसर राउंड, तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है. अब देखो, आपकी आपकी क्लास से पहले हमारी जूनियर बैच की क्लास थी, तो ये जूनियर बैच की क्लास ने आज ये आर्टवर्क बनाया था, आप देख पा रहे हो. और इसमें ये अपने मैसेज लिखने के लिए छोटे छोटे सीक्रेट मैसेज बॉक्सेस भी हैं जिसमें लिख सकते हैं. और हमारे जूनियर बैच के बच्चों ने मदर्स डे के लिए आज ये चीज सीखी थी. हाँ, अगर आप इसका वीडियो देखना चाहो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो. मैं आपको लिंक यहाँ शेयर करूंगी. आप ये वाला कार्ड भी यूट्यूब से देख के बना सकते हो. आज हम जो कार्ड बनाने वाले हैं, बस हमें इंतजार है और जो बच्चे हैं वो लोग भी आ जाए तो फिर हम अपना काम शुरू करेंगे, ठीक है. हाँ, आ जाएंगे फिर सबको. ओके, हाँ, जस्ट कीप योर कलरफुल शीट्स, कलरफुल वेडिंग कार्ड्स, ये सब सामान तैयार कर लो. कलरफुल शीट्स है, कलरफुल वेडिंग कार्ड्स हैं, और भी और फेविकॉल अगर हो तो वो रख लो, है ना. ये सारी चीजों को रेडी करके रख लो क्योंकि इन सबकी हमें जरूरत पड़ने वाली है. रेड कलर, देखो मैं रेड कलर के फ्लावर्स इससे बनाने वाली हूँ. ये रेड वेडिंग कार्ड है, ठीक है ना. ओके, तो अगर आपको इस तरह का कुछ बनाना हो जो हमारे जूनियर ग्रुप ने सीखा है, अगर आपको इसका वीडियो देखना हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, ठीक है. मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी. और हाउ मेनी आर कनेक्टेड? 93. अच्छा, और एक और बात, सारे स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान से सुनो. हमेशा आपको लगता है ना कि मदर्स डे पे आपको मम्मा के लिए सरप्राइज केक बनाना है, लेकिन अब लॉकडाउन में आप केक तो ला नहीं सकते. तो मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने छोटे बच्चों के लिए विदाउट फायर, यानी आपको उसमें फायर की कोई जरूरत नहीं है, चॉकलेट केक और फ्रूट केक डाले हुए हैं. तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देखकर, और वो बहुत सिंपल है बनाना, आप अपने हाथों से अपनी मम्मा के लिए सरप्राइज केक भी बना सकते हो. और उसमें ओवन की जरूरत नहीं है, प्रेशर कुकर की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है. तो आपको आपके जलने का भी खतरा नहीं है. आप उसे जरूर बनाना और चुपचाप से मम्मा जब उठे मदर्स डे वाले दिन आप उनके लिए सरप्राइज कर सकते हो, है ना. अच्छा, और सबसे पहले बात, अब शुरू करने से पहले आपको एक बात बताऊंगी. जब गॉड ने सोचा कि इतने सारे बच्चे हैं और मैं सबकी केयर नहीं कर सकता तो मैं क्या करूं, तो गॉड ने माँ को बनाया. मॉम इज लाइक गॉड टू अस, ठीक है ना. हमारे लिए गॉड की जगह है मम्मा, तो हमें उनको बहुत बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए. उनकी बातों को, उनकी केयर को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, हमें उसके लिए ग्रेटिट्यूड मानना चाहिए. छोटे छोटे कामों में, आप देख रहे हो कि लॉकडाउन के वक्त घर में मेड भी नहीं आ रही है, तो आपको छोटे छोटे कामों में मम्मा की हेल्प करनी चाहिए. कभी भी ऐसी बातें, ऐसी लैंग्वेज मत बोलो जो आपकी मम्मा को हर्ट हो जाए. अपना काम टाइम पर कर लो. अपनी मम्मा के लिए ग्रेटिट्यूड दिखाने का मदर्स डे से बड़ा मौका कोई नहीं है. तो आओ मैं आज आपको सिखाती हूँ एक बहुत ब्यूटीफुल कार्ड, ठीक है. ये हमारे जूनियर बैच ने बनाया था, जो आपकी क्लास शुरू होने से पहले जूनियर बैच था, तो जूनियर बैच ने ये कार्ड बनाया था जिसमें कि अंदर आप लिख भी सकते हो, ठीक है. अगर आपको ये कार्ड भी बनाना हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो. अब मैं आपका कार्ड शुरू करती हूँ, ठीक है. हाँ, नाउ सी, आपको सबसे पहले एक शीट लेनी है, ड्राइंग शीट ले लो और अपनी पेंसिल लो. टेक योर पेंसिल, फर्स्ट वी विल ड्रॉ, ठीक है. ओके, आपको पेंसिल और इरेजर रेडी रखना है. शैल वी स्टार्ट, शुरू करें? आर यू रेडी? तो थम्स अप दिखाओ, सब लोग दिखाओ. अच्छा वाला, ऐसे ऐसे नहीं, यू. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. अब ये मदर्स डे का स्पेशल कार्ड मैं बनाने जा रही हूँ. आप ध्यान से देखो इसको कैसे बनाना है. हाँ, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारी ड्रॉइंग शीट है, इसको वर्टिकल रखो. इसको ऐसे नहीं रखना है, हमें इसको वर्टिकल रखना है.
अपने, हाँ आप सब सारे बच्चों को अपने सामने इस शीट वाले पिक्चर को लाना है, ठीक है। मैं एक बार फिर दिखा रही हूँ, ये मदर्स डे का जूनियर ग्रुप ने बनाया था, ठीक है। तो ये अगर आपको इस तरह का कार्ड बनाना हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी। अब आपका कार्ड शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको शीट को स्लीपिंग नहीं बल्कि स्टैंडिंग मोड पे यानी कि वर्टिकली रखना है, रख लो। रखने के बाद अब देखो ये हाफ है, ये पेपर का हाफ है ना, आप यहां से एक यू शेप बनाओ, ठीक है, एक यू शेप बनाओ और मैं इसको डार्क कर देती हूं। आई विल मेक इट डार्क ताकि आपको दिखे। ठीक है, ये यू शेप बनाना और देखो ये यू शेप अगर आप देखोगे तो ये हाफ से भी ज्यादा पार्ट में है। इधर देखो ध्यान से इसका प्रोपोर्शन देखो, नीचे लेस मोर देन हाफ नीचे छोड़ा है और यहां देखो इतनी से जगह छोड़ के यू शेप बनाया है, ठीक है। हाँ ये सब लोग पेंसिल से ड्रॉ करोगे, यस। पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद यहां साइड पर एक पॉइंट लो, यहाँ साइड पर नहीं, एक्चुअली ये ना व्हाइट पे रखने पे वो समझ नहीं पा रहे, व्हाइट शीट ही दिखती है ना इसलिए लिए। इसके बाद आई विल टेक व्हाइट, ड्रॉ हो जाए ना, ठीक है। ये आफ्टर दिस आपको यहां से लाइन बनानी है, कर्व्ड लाइन है। अगर आप कर्व नहीं बना पा रहे हो तो आप स्ट्रेट भी बना सकते हो, कर्व्ड लाइन। और आपका फेस है ना, आपके फेस में यहां पे एक पॉइंट ले लो, ये यू जहां फिनिश हो रहा है ना टर्न, वहां एक पॉइंट लो और यहां से एस लिखना है, एस। हम नॉर्मली एस ऐसे लिखते हैं ना, एस, हाँ। तो वी विल बी राइटिंग एस, यू विल सी, यू कैन सी वी आर जस्ट राइटिंग एस, यू विल जॉइन इट टिल हियर। देखो ये फेस, द मैक्सिमम पार्ट ऑफ फेस इज कवर्ड एंड विथ इरेजर दिस लाइन विल बी इरेज्ड। ओके, सी दिस, दिस पार्ट ऑफ यू इज हिडन, दिस इज एस, वी राइट एस दिस वे बट हियर वी आर गोइंग टू राइट इट ब्लंट विदाउट डीप कर्व्स, दिस इज एस एंड फ्रॉम हियर यू फिनिश योर फेस, यू इरेज दिस लाइन, यू इरेज दिस लाइन। नाउ हियर I'm going to show the baby. Circle. ठीक है, this is again a circle and see this is not small, it's not tiny. Okay. Okay, you can use any object. If you find it difficult to make it with free hand, you can use an object. Now, take a point on side. On, it is not in center. Circle mein, it's on side. Okay? Join. And again, S. S. This is S. You can see this is shape of S, but it is blunt. And if you find it difficult to make this curve, you can make straight line also. ठीक है? You can make straight lines also. Now what we are going to do? A line of neck. एक neck की line बनानी है. And और इन हेयर को हमें यहां तक यू फ्लो में ले लेना है, फ्लो। ये हेयर को हमने बड़ा एस बना दिया, इट इज अ काइंड ऑफ एस,
दिस इज कंप्लीटली हेयर, ये सारे हेयर हैं. एंड हियर वी आर गोइंग टू पुट अ बिग फ्लावर. एंड नाउ शो मी थम्स अप इफ यू हैव डन. ऑल ऑफ यू हैव डन, शो मी थम्स अप. ओके. एंड दोज हू हैव नॉट डन, प्लीज शो थम्स डाउन सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू हैव नॉट डन. ओके, डू. ओके. हाँ, those have done, they will wait for others because many are little slow. तो कोई बात नहीं, we will wait. Okay, now make. And small line. Okay, make a small line. Now we have 2 points. And this line should be very small, not very big. Okay. And now what we are going to do here, we will be writing C. C. Now we have 2 points. Okay. What are we doing? Here. See, these are two lines which are coming close. This is C and okay. I'm showing it again. This is C and one line I have taken till here and one again. Okay. Now what you will be doing, we have 2 points. Draw a U and a C. See, these are 2 points. A U and a C. Isko thoda zoom karna hai kya? See, I'm repeating, this is U. From this point, it is C and join. Show lines, fingers. Okay. And here, show W and ponytail. It's a ponytail backside. C for showing frog. Now, students, I want to show that here a big bouquet, a circle, draw a rough circle with a bow here. Ek bow hai, and this is a Mother's Day special bouquet in which we are going to put our 3D flowers. We are going to make roses and roses we will be pasting here. ठीक है? तो आपको यहाँ पे एक बड़ा सा circle. Okay? And the lines, this will be a complete bouquet. So the line which are coming of hair and neck will be erased. Erase the lines. Okay? And from this point we have now, from here, you will be making a line. Draw a line. I
आई एम रिपीटिंग अगेन, आई ड्रॉ अ सर्कल, जिनका नहीं हुआ वो देख लो एक बार. आई ड्रॉ अ सर्कल, देन आई टुक अ पॉइंट ऑन साइड, देन इट इज कर्व्ड लाइन एस एस. ओके, नेक 11, फिर आई मेड टू स्लैंटिंग लाइंस, देन ड्रॉट अ सी. सी से हमने इसको पास लाते हुए हैंड बनाया. व्हाट वी डिड, वी रोट यू, देन अ सी एंड जॉइन. ठीक है, दिस इज अ गर्ल. ओके, एंड द लाइंस व्हिच आर कमिंग, दिस सर्कल, इन दिस सर्कल वी आर गोइंग टू पुट अ फ्लावर्स बिकॉज वी आर गोइंग टू शो अ फ्लावर बुके. ठीक है, दिस इज अ बुके कम कार्ड, तो वी आर गोइंग टू शो अ फ्लावर बुके ऑफ रोजेस फॉर मॉम. ओके, नाउ लेट्स मेक आईज. शो मी योर थम्स अप इफ यू हैव डन. Those who have done, show thumbs up, and not done, show thumbs down. Okay, do. Okay, do. I'm waiting. All of you do. Many of your thumbs are down. So I'm waiting. You do. Okay. I'm repeating the technique of making girl again. I will make it on a different. See, the method of making girl, I'm repeating. For making girl, you will be making one circle first, then a point on side. S, S, 11 for showing neck, two slanting lines, then a C, this is a C. Take 2 points, one line will go down and other will also go down, coming slightly closer. Okay, then you have 2 points, on upper you will write U, lower you will write C and join. This is the technique of making girl, okay? This way, this girl is done this way. Okay, and join it for showing the frog. Now finish this, because mom, we will face of mom, we all will draw together. Okay, so as soon as you finish, show me your thumbs up. Okay, do. Please show me thumbs up so that I can. As almost 100 students are learning on one class, आप सबको हमने म्यूट किया हुआ है, ठीक है ना? तो अगर कुछ पूछना है तो यू कैन मैसेज मे, और इन द एंड वी विल कीप क्वेश्चन आंसर राउंड, इन दैट यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस. ओके, हाँ, शो मे योर थम्स अप, शो मे योर थम्स अप. Okay, I am showing it with marker pen so that the lines will be more clear. See, मैंने ये सारी lines marker से bold कर दी है, so that अगर शादी का कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, वी विल कलर ब्लैंक शीट्स एंड मेक फ्लावर्स. हाँ, ये है ना, मैं इसको मार्कर से बनाती हूँ. आई विल मेक इट विथ मार्कर सो दैट कुछ बच्चों को जिनको नहीं दिखाई दे रहा है ना, लो मैं इसको मार्कर से डार्क कर देती हूँ. आई विल बी मेकिंग इट डार्क. हाँ, यू ऑल विल बी मेकिंग इट विथ पेंसिल. आप पहले पेंसिल से ड्रॉ करोगे और फिर आउटलाइन करोगे. मैं ये मार्कर से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों को नजर नहीं आ रही ना लाइंस, इसलिए बना रही हूँ. लेकिन आप लोगों को ये पेंसिल से ड्रॉ करना है. ओके, सी, फॉर मेकिंग हेयर आई टुक अ पॉइंट ऑन साइड, एस, अगेन अ बिग एस कवरिंग ऑलमोस्ट मैक्सिमम पार्ट ऑफ द फेस. Okay, and this circle I will not outline because we are going to arrange our flowers. ठीक है,
Now let's complete face. Show me your thumbs up if you have done this much. Show me your thumbs up. Thumbs up. Okay. Now make eyes. For making eyes. Small tiny nose, tiny nose, and beautiful smile. See, for showing beautiful smile, I will be writing this and D. And here also we are going to show a flower. Now the girl, C, closed eyes, small tiny nose. For nose, you will just write a small L and smile. Okay, now it's time to learn roses. You will draw this much and then you are going to keep your drawing aside. If you want to put a bindi, it's your choice. Okay, if you want to put a bindi for mom, you can put a bindi also. Now after making this much, let's learn roses, because here we are going to show the rose bouquet. Okay, and roses we are going to make with waste wedding cards, colorful sheets. And if you don't have colorful sheets also, you simply take any sheet and color it. You apply color, and after coloring, you can make roses. Okay? Okay, now the method. Please first see the method of making it. Like, I want to make red rose. Suppose, see. Dekho. Now, I will keep this drawing on side and I will start with my roses. All of you see the technique of making roses. Okay? You can take a card. I have taken waste wedding card. Colorful sheet hai, so you can take that also. With help of any object. अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से बना सकते हो, नहीं तो फ्री हैंड से यू विल मेक सम बिग एंड सम स्मॉल सर्कल्स. लाइक आप बड़ा सर्कल, कुछ बड़े और कुछ छोटे फ्लावर्स बनाने हैं. किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से भी यू कैन टेक एनी ऑब्जेक्ट फॉर मेकिंग इट. यू कैन मेक सम स्मॉल. Use a complete space available by making big and small. This is very small part. I will make a very small rose here. Small tiny roses. See, I have utilized almost complete space of my red paper. Okay, you can use any object or draw it with free hand. You can draw it with free hand also. Sabke circles ban jaye to please show me thumbs up. Show circles. You can use this kind of plate for making circle. You can use this kind of tape circle, hai na, for making big and small circles. As soon as you finish, students, please show me your thumbs up. Done? If done, please show thumbs up.
इट विल हेल्प मी गेटिंग इट. हाँ, ड्रॉ सर्कल्स. ओके, ड्रॉ सर्कल्स. Okay, you will be making circles. Circles you can use with the help of objects or free hand. You can make free hand also. Now see, now watch carefully. All of you see here. Acha, first do the circles. Draw circles. All of you have done. Show your thumbs up. Please show your thumbs up. If you have made done with circles, show your thumbs up. Yeah, done. Now see students, what you will be doing. All of you see here. Yeah, I'm showing it again because many got connected afterwards. This was the work which we taught in junior group. Before this batch, of seniors, we were having a junior batch group. And in that we learned this, Mother's Day card. Okay? So if you want to make this kind of card, this is available on my YouTube channel. And you can open the heart and write your messages. Secret messages, okay? So I have already uploaded the video of this. So if you want to make this kind of card, you can see on my YouTube channel. I will share the link with you all. And you can, and students, everything which you are learning, you please learn it properly, because very soon you are going to get a platform for showing your talent. We are going to organize a grand event for talent hunt. Okay? Okay, now what you'll be doing? Now see. Take a pen, you just make a mark on the side of a circle. Circle ke kisi ek kinare pe se mark lagao aur mark laga ke dheere 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 draw one more circle. Start from the dot. Now you see, when I'm coming near to that dot, I will not touch. I will go inside. And I'm making a spiral shape. Can you see this spiral shape? I'm repeating. फिर से देखो. This is a circle. Take a point on side. Take a point. And after making a point, what you will be doing? You will start from inside and slowly and slowly and slowly. You will go inside, and when you will be coming back to dot, you will not touch. You will go inside parallel. You will get a spiral shape. This way, you will be starting with small spirals. And students, good artist is the one who is using waste at home. So here we are recycling cards. So now onwards, if you are getting cards, don't throw it off. Okay? Yes, I will make spiral in each. And what I will be doing, I will cut each circle. Maine sab mein spiral bana liye, and now I'm going to cut the circles. And with the help of scissors, cut each circle. What you do, first you just remove your circle from the bigger part. Okay? First you remove it from bigger part. And now you cut it. First cut the outer part. Now start with the outer part, and after coming from out, what you will be doing, see, now see carefully students, first see one rose, stop doing work, all of you, just see one first rose, when you will cut this circle now, what will happen, you will get this kind of circle. Now the point from where we start our spiral shape, you will keep your, and slowly the lines which you made, you will start cutting.
First, you see, all of you see, don't do right now. First, you see the demonstration of making a rose. Because in your card, you are going to present a flower bouquet to your mom. So this card will serve your two purposes. It's a bouquet cum card. So during this lockdown, you are preparing a lovely bouquet of flowers. See. Okay. Now you can see this is a snake. I know this is a snake. This is tail. You can see this is tail and this is head. Now what you're supposed to do, you will start rolling its tail. You will start rolling its tail. You say, don't do it now. First you see, start rolling its tail and come till its head. When you will start rolling the tail softly, and now I'm going to reach, I'm trying to reach to head. Anna, see, I'm about to reach to head and this is almost done. See, this is the head of the snake. So what I'm going to do, I will apply Fevicol. I'll apply Fevicol on head and on that I will place my complete rose. And you can see my complete rose. Press it nicely and your rose is ready. Can you see the rose? So this way we are going to make roses today. Start making. Let's start. We will make pink, some red, some pink, some purple roses. We will make a rose bouquet. Okay? Start making spiral shapes. If you want to make only red roses, you want to give gift of red roses to your mom, it's your choice. Okay? I'm repeating. One more I'm showing you. Students, one more I'm showing you. See. See, I'm repeating. If you don't understand, you repeat. You see this? This is a circle. Please see those who don't understand. This is a circle. You just touch the boundary. ठीक है इस बाउंड्री को पकड़ के हाँ आपको धीरे 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 अंदर एक सर्कल बनाना है लेकिन आपको इस सर्कल के जब बनने वाला हो जैसे ही बनने वाला देखो ये सर्कल मेरा पूरा होने वाला है लेकिन पूरा होने से पहले ही मैं अंदर मुड़ गई फिर जैसे ही मेरा सर्कल फिर से पूरा होने वाला है फिर मैं अंदर मुड़ गई और ऐसे मुड़ते 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 मुझे एक स्पाइरल शेप मिल गई ठीक है अब मैं एक बार फिर से काट रही हूँ इसको एंड प्लीज यू सी हाउ टू कट यू विल स्टार्ट कटिंग इट फ्रॉम दिस पॉइंट ये पॉइंट है ना स्लोली एंड केयरफुली स्टार्ट कटिंग कटिंग सम बिग रोजेस सम स्मॉल रोजेस ठीक है ना इफ यू वॉन्ट टू मेक ऑल बिग It's your choice. Anyone want to ask anything, please message me. I will cover it up in my class. Okay. If you want to ask anything, you please message me immediately. I will just cover that point in my class. So students, no need to worry in lockdown. If you are not able to arrange for a bouquet, this is a bouquet we are making ready. If you want to prepare a cake, you can see the cake without fire from my channel and prepare. So everything is manageable and everything as if you are learning it for competition. Very soon you will be the part of competition. Now see, tail. I will start rolling tail. See, this face. Start rolling. Yes. Tell them to message. Yes, Avika, do you want to ask anything? Avika? See, this ways you will roll. अब देखो ये marriage card में तो कुछ कुछ लिखा भी है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है ना आप देख सकते हो मैरिज कार्ड कितने ब्यूटीफुल कलर्स के होते हैं कुछ पर्पल सी आई ऑलवेज कलेक्ट देम सी दिस इज अ ब्यूटीफुल पर्पल कलर एंड वी हैव डिफरेंट कलर्स दिस इज गोल्डन कलर लवली गोल्डन कलर सो वी शुड कीप देम केयरफुली बिकॉज सी दिस इज अ ब्यूटीफुल पिंक कलर हाँ अविका यू वॉन्ट हाँ यस
वॉट यू वॉन्ट टू आस्क, डू यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग अभिका? से ऑन हेड, ऑन हेड आई एम पुटिंग सम फेविकॉल. हाँ बोलो बोलो. यस ठीक है. एंड रोज इज रेडी. सी आई विल जस्ट प्रेस इट फॉर व्हाइल, थोड़ी देर पकड़ के रखना पड़ेगा, फिर ये हमारा रोज रेडी हो जाएगा. इस तरह से आपको छोटे बड़े सब तरह के रोजेस बनाने हैं और इसको साइड पे रखते जाओ, ठीक है ना? हाँ बोलो. यस 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 बोलो बोलो. मैम आई नॉट अंडरस्टूड. यस विनायका. अच्छा तो देखो एक बार फिर देखो, जिन बच्चों को स्टार्टिंग से ही समझ नहीं आया वो एक बार फिर देख लो. आपको क्या करना है, आपने जैसे सर्कल बनाया है, सर्कल के किनारे पे एक पॉइंट लेना है, ठीक है? फिर किनारे से अंदर की साइड एक सर्कल बनाना है. अब देखो ये सर्कल मेरा बनने वाला है ना, लेकिन मैं इस पॉइंट के पास आने पे और अंदर चली जाऊंगी. फिर जैसे ही मेरा सर्कल पूरा होने वाला होगा मैं और अंदर चली जाऊंगी और ऐसे करते करते एक स्पाइरल शेप बन जाएगी, ठीक है? और स्पाइरल शेप जब बन जाएगी तो फिर हम इसको यहां से काटना शुरू कर देंगे. वेरी केयरफुली यू विल स्टार्ट रोलिंग. आई वॉन्ट टू मेक फ्यू पिंक फ्लावर्स, फ्यू स्मॉल रेड फ्लावर्स, डिफरेंट व्हाइट रोजेस विल ऑल्सो लुक ग्रेट. हाँ बोला बोलो. हाँ मैम इट्स नॉट स्टिकिंग विद फेविकॉल. हाँ या बेटा इट विल टेक सम टाइम, यू विल हैव टू होल्ड इट फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर पकड़ना पड़ेगा. एकदम एकदम से नहीं चिपकेगा. कुछ रोजेस बड़े और कुछ छोटे बना लो, ठीक है? अलग अलग कलर के. एक्सक्यूज मी मैम, मैम सी मैम वी कैन कलर द रोजेस आल्सो. मैम सी हां नहीं, अगर रोजेस आपके वाइट है हां इट्स ओके इट्स परफेक्ट. मैम वी कैन कलर द रोजेस आल्सो. अगर आप वाइट शीट यूज कर रहे हो तो पहले आपको शीट का कलर करना पड़ेगा. आप रोज बना के क्या है आपके पास? मैम वी कैन मेक रोज ऑफ एनी कलर. जो है एनी कलर, कलर ऑफ योर चॉइस. मेक व्हाइट रोजेस आल्सो, व्हाइट रोजेस आल्सो लुक गुड. मैम दिस टाइप ऑफ रोज वी हैव टू मेक. अगर अगर म्यूट कर देना, म्यूट कर दो सबको. जो है हाँ just send me message. And students, one thing you need to keep in mind, आपका रोज एकदम से नहीं चिपकेगा, लेकिन आप थोड़ी देर उसको पकड़ के रखोगे ना या ऐसे दबा के छोड़ दोगे तो ये रखे रखे अपने आप इसकी पेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है? अब आप तरह तरह के रोज बना लो. और जिन बच्चों के पास कलर्ड शीट नहीं है ना, वो पहले शीट को कलर करेंगे. उनको पहले शीट को कलर करना होगा. जैसे कि समझो कि ये ब्लैंक बेस्ड सर्टिफिकेट था, इसको मैंने येलो कर दिया. अब मैं इसका अगर रोज बनाऊंगी तो बन जाएगा. आप रोज बनाने के बाद उसको कलर करोगे तो मुश्किल होगी, ठीक है? तो आपको अगर अपनी आपके पास और कलरफुल शीट्स नहीं है तो आप पहले शीट्स को कलर कर सकते हो. नहीं तो व्हाइट रोजेस भी बहुत अच्छे लगते हैं, आप व्हाइट रोजेस भी बना सकते हो, ठीक है? तो मैं आप अलग अलग कलर के रोजेस बना रही हूँ. मैंने रेड बना लिए और कुछ ऑरेंजिश बना लिए. अब मैं एक पिंक बना रही हूँ और कुछ येलो और व्हाइट भी बनाऊंगी, ठीक है? अच्छी चीज. आप जब इस बुके को बनाओगे तो इसमें थोड़ा सा परफ्यूम डाल देना, ठीक है? जब मम्मा को ये दोगे ना कार्ड तो रोजेस पे थोड़ा सा परफ्यूम डाल दोगे तो इसमें से खुशबू भी आएगी. ओके सो यू कैन डू दिस ऑल्सो. हाँ एंड इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग यू प्लीज मैसेज मी बिकॉज देर आर 100 स्टूडेंट्स. वी ऑल आर 100 स्टूडेंट्स लर्निंग एट अ टाइम. तो हाँ तो सब सब साथ में बोलने लग जाते ना बेटा, तो वो दूसरे बच्चे के लिए भी एक वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाता है. से दिस वेज मेक रोजेस, थोड़ा सा इसको दबाओ, दो मिनट होल्ड करोगे तो ये पेस्टिंग हो जाएगी एंड जस्ट लीव इट. मैं पिंक बना लेती हूँ, मुझे एक पिंक भी बनाना है. छोटे छोटे रोजेस भी बना लो.
I want to make pink. Technique is same. Cut the round. पहले एक round बनाना है और round में फिर spiral shape draw करनी है. ये spiral shape draw करनी है. और फिर इसको कट करना है. ठीक है, मेक रोजेस. ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट रोलिंग इट फ्रॉम टेल. टेल पे से हम इसको रोल करना शुरू करेंगे. हमने ये टेक्निक सीखी है, बहुत आसान है. इस तरह से बड़े छोटे रोजेस से आप बहुत सारी चीजें, अगर आपके पास कलर्ड शीट्स हैं तो बहुत ही अच्छा है, आपके बहुत कलरफुल और अच्छे रोजेस बन जाएंगे. ठीक है, आपको इसको रोल करते जाना. आपके प्रोजेक्ट कवर की फाइल सजानी है, आपको अगर फूलों से स्पेशल ओकेजन पे स्पेशल वंदनवार बनाने हैं, आप इस तरह के रोजेस को यूज कर सकते हो. ठीक है ना, ये रोजेस बहुत अच्छे लगते हैं और वेरी सिंपल एंड इजी टू प्रिपेयर. हाँ, यस आदित्य, व्हाट इज यू, व्हाट यू वांट टू आस्क आदित्य? यस, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? अनम्यूट यू योरसेल्फ एंड आस्क. डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? कुछ पूछना था. हाँ आदित्य, आपकी रिक्वेस्ट, आपके फोन पे मैसेज आया कि कुछ पूछना है आपको. कुछ पूछना है आपको? देखो स्टूडेंट्स, हमारे हमारा जब ये हो जाएगा ना, पूरा बन जाएगा, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड में रखने वाले हैं. ठीक है ना, बीच बीच में अगर हम अपनी क्वेरीज रखेंगे तो बेटा हमारा डिले होगा वर्क और सारे बच्चे डिस्टर्ब होंगे, इसलिए हम लोगों ने सबको म्यूट करा हुआ है. ठीक है, और मैम ये बात आपको बार बार बोल रहे. हाँ बोलो मैम. हमारे पास कलरफुल शीट नहीं है, तो मैम हम उसी शीट पर कलर कर दे, व्हाइट शीट पर. हाँ व्हाइट शीट पे कलर करके फिर ये जो मेथड है ना, वैसे बना लो. कुछ रोजेस व्हाइट ही बना लेना, कुछ कलरफुल बना लो, ऐसे कर लो. ठीक है, यस मैम. हाँ कर लो. अब देखो मैं ना करके दिखाती हूँ. मेरे पास एक कलर्ड करी हुई शीट रखी है, मैं एक येलो रोज अपनी कलरफुल शीट का ही बनाती हूँ. ठीक है, और हमने इसको पेस्टिंग कर दी हेड पे. जो हेड होता है ना, हेड पे हमने फेविकॉल लगाया और इसकी पेस्टिंग कर दी. ठीक है ना, और थोड़ी देर हमको इसको दबा के रखना पड़ता है, नहीं तो ये पेस्टिंग नहीं होती. फिर उसके बाद इसको छोड़ दो, ये अपने आप ही पेस्टिंग हो जाएगी. ओके, प्रियांशा व्हाट यू वांट टू आस्क? देखो ये कलर्ड करी हुई शीट रखी हुई है मेरे पास, मैं इसका एक येलो, देखो ये एक शीट, एक पुराना सर्टिफिकेट था जिसको मैंने कलर कर लिया है बड़े बड़े स्ट्रोक्स डाल के, और मैं इसका एक बड़ा रोज बनाने वाली हूँ. मैंने इस कलर शीट को अब मैंने काटना शुरू कर दिया. ये देखो, ठीक है, जिन लोगों के पास व्हाइट शीट नहीं है, देखो मैंने तो शीट भी यूज नहीं किया, मैंने एक वेस्ट कैलेंडर यूज किया है. अब इसके ऊपर मैं स्पाइरल शेप बना दूंगी. And I will make shape. मैंने इसको कट करना शुरू किया, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है. इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि आप लोग घर का वेस्ट मटेरियल जो है उसको रिसाइकल करो. अच्छे आर्टिस्ट वो ही है, क्योंकि हम अगर मार्केट से सारी चीजें लाकर कुछ बनाते हैं बेटा, तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा गार्बेज क्रिएट कर रहे हैं. हाँ, यू कैन मेक इट ऑन कलर शीट्स. अगर कलर्ड शीट्स है तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है. ठीक है ना, आप टेल के पास से इसको रोल करना शुरू कर दोगे तो ये आपका येलो रोज बन जाएगा. देखो इस येलो रोज को मैंने कलर किया है, मैंने इस पे बड़े बड़े स्ट्रोक्स क्रेयॉन्स के डाल दिए हैं. बड़े बड़े स्ट्रोक्स डालने से जो लाइन आ रही है ना, उससे मेरा लीफ पेटल वाला शेड्स आ जाएंगे इसमें. और मैं ये हेड तक आ गई, और हेड तक आने के बाद मैंने क्या किया, इस पे फेविकॉल लगाया एंड फिनिश्ड.
ठीक है, इसी तरह से मैंने इसको थोड़ी देर दबाना पड़ेगा, ये थिक है ना, 2 मिनट आप इसको पकड़ के रखोगे ना तो ये अच्छे से पेस्टिंग हो जाएगा, बस 2 ही मिनट पकड़ना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। चलो अब ये मेरे रोजेस भी बन गए हैं, अब मुझे कुछ ग्रीन लीव्स बनानी है, तो मैं ग्रीन कलर का कार्ड अगर मेरे पास नहीं है तो मैं गोल्डन भी लीव्स बना सकती हूँ। आप किसी पेपर को ग्रीन कलर करके, आप किसी पेपर को ग्रीन कलर करके भी इसको बना सकते हो। मेरे पास फॉर्चुनेटली एक छोटा सा टुकड़ा ग्रीन पेपर का मिल गया, तो मैं क्या करूंगी, देखो ग्रीन लीव्स बनाने का तरीका देखो सारे स्टूडेंट्स, आपको इसको फोल्ड करना है, ठीक है, और फोल्ड करने के बाद आपको इसमें ऐसे शेप बनानी है लीफ की, ऐसे, ओके, सी जैसा शेप मैंने लिखा है जो दोनों साइड से शार्प है, और जब मैं इसको काटूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे एक प्यारा सा शेप मिल जाएगा लीफ का। देखो बीच में क्रीज होने की वजह से इसमें 3 डायमेंशनल इफेक्ट आ गया है, देखो ये है ना, ये मेरी लीव्स बन गई। अगर आपके पास लीव्स ना हो तो किसी भी पेपर पे कलर करके आप इसको काट के ऐसे बना सकते हो, ओके, देखो ये लीव्स बन गए। अगर मुझे और लीव्स चाहिए, जैसे मुझे लग रहा है कि मुझे और लीव्स की जरूरत है, मैं फिर से फोल्ड करूंगी और लीव्स बना लूंगी। बीच में क्रीज आने से हमारी लीव्स में 3D इफेक्ट आ गया। ये सब हमारे कार्ड की तैयारियां चल रही हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हो ये मैंने 2 पर्पल रोजेस भी बना के रखे हैं, इनकी इनकी भी मैं पेस्टिंग कर देती हूँ। ये डार्क पर्पल रोजेस हैं, ये भी मैंने एक वेडिंग कार्ड में से ही बनाए हैं, ठीक है। आप पिंक बना सकते हो, व्हाइट रोजेस भी बहुत अच्छे लगते हैं, अगर आपको लगे ना कि हमारे पास शीट्स है नहीं तो आप व्हाइट से बना लो, बहुत अच्छा लगेगा उसका भी। हाँ कलर शीट पे तो कर ही सकते हो, हाँ ड्रॉ भी आप कलर शीट पे कर सकते हो, लेकिन बस यही है कि आपकी कलर शीट अगर रेड हुई तो मम्मा का फेस स्किन कलर का नहीं दिखेगा, तो अच्छा होगा कि आप व्हाइट शीट पे ड्रॉइंग एंड कलरिंग करो, और अगर कलर्ड शीट है तो ये कर सकते हो कि व्हाइट पे ड्रॉ और कलर करके उसको कट करके आप उस पे लगा सकते हो। जी ऑल द रोजेस आर रेडी, मैं ना लीव्स आई एम टीचिंग अगेन ऑन रिक्वेस्ट, यस दिस इज सपोज आई मेकिंग गोल्डन लीव्स, ठीक है, मैं येलो कलर की लीव्स बना लेती हूँ। फॉर मेकिंग लीव्स आपको पहले पेपर को फोल्ड करना है, ओके, फोल्ड करने के बाद क्या करना है, ये जो जॉइन वाला पार्ट है ना उसको अंदर रख के आपको सी लिख देना है, सी ऐसे सी लिखना है, आग बनाना है, ओके, और इस आग को आपको काट लेना है। देखो कैसे काटना है, मैं आपको दिखा रही हूं फिर से, ऐसे ये, जब ये खुल जाएगी तो ये बीच में लाइन आ जाएगी और ये हमारी लीफ बन जाएगी, ठीक है ना, ऐसे काटते जाना है। चलो अब मैंने ये बना लिया तो मैं गोल्डन लीव्स भी बना लेती हूँ थोड़ी सी, ओके। हाँ और किसी को कुछ भी पूछना हो तो प्लीज मैसेज मी, मैसेज को मैं फॉरन यहाँ पे क्लास में कवर कर लूंगी, यू प्लीज मैसेज मी, ओके। ये देखो अब हमारे फ्लावर्स भी रेडी होने आए, ये मैंने हैंड पेंटेड उससे बनाया था। यू ऑल कैन हियर मी, इज माय वॉइस क्लियर, शो योर थम्स अप, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो थम्स अप दिखाओ, ओके सब लोग सुन पा रहे हैं, ओके। नाउ कम बैक टू ये, अब देखो ये जो है ना, ये हमारे फ्लावर्स ये बुके में लगने वाले, ये जो बुके इस गर्ल ने हाथ में पकड़ा है ना, इसके हाथ में ये पूरा बुके हम बनाएंगे। अगर देखो रोजेस अगर आपके 3-4 बन गए हैं ना तो 3-4 बना के पहले कलरिंग कर लो, क्योंकि मैं इसका वीडियो अपने यूट्यूब पे डालूंगी, आपको लिंक भेजूंगी, तो बचे हुए रोजेस तो आप बाद में भी बना सकते हो, अगर आपको एक रोज भी बनाना आ गया ना तो बाकी रोज तो आप बाद में भी बना सकते हो,
ठीक है ना, आपको सबको लिंक भेज दूंगी, आप यूट्यूब पे आराम से देख के बनाना, मदर्स डे भी 10 तारीख को है तो वी हैव टाइम। जितने रोज बन गए आपको सबको मेथड समझ में आ गया रोज बनाने का, थम्स अप दिखाओ अगर आ गया तो, शो थम्स अप, सबको आ गया, यस। तो चलो अब हम सारे स्टूडेंट अपने ड्रॉइंग को निकालो, अपने फ्लावर्स और लीव्स को साइड पे रख दो, ओके। नाउ स्लोली एंड स्लोली यू विल इरेज द एक्स्ट्रा लाइंस, इरेज ऑल एक्स्ट्रा लाइंस। यहाँ पे तो हमारा बुके आएगा तो ये तो हम इरेज कर दें या रख दें, कोई बात नहीं है, आपको सारी एक्स्ट्रा लाइंस इरेज करनी है अब, ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा लाइंस इरेज करके इसको क्लीन कर दो एंड नाउ वी विल बी डूइंग कलर्स, ठीक है। ओके नाउ आफ्टर दिस दोज हु नो ऑयल पिस्टल, आई एम नॉट यूजिंग ऑयल पिस्टल बट दोज हु आर टेकिंग रेगुलर क्लास फ्रॉम मी they know how to do oil pistol, but in this class there are many who don't have oil pistol and they don't know the technique also how to use oil pistol, so for them I'm using plastic crayons, theek hai, so you all start with plastic crayons. What you do for making face, let's start with the face, take skin color and pink color, let's start with face, okay। Okay, now what you are supposed to do, show pink circle. And start doing skin color. Very simple coloring we are going to do. See. Okay, slowly. See this face, ठीक है? See students, I'm teaching this drawing and coloring everything in each of my card making. I decided to keep drawing and coloring because I want you to learn how to draw and the technique of coloring also. As I told you, very soon you are going to get opportunity of a grand event of drawing and painting competition, even card making competition. So before conducting and before making you prepared, I want you to give the basic tips. So that's why I cover a drawing and coloring also in my each card. Okay? This way, slowly you will color. Now see what normally students do. Students kya karte hain? They start coloring like this. They will standing, then sleeping, then slanting. No, it's absolutely wrong. Hold your color like pencil. Niche se pakdo. Aur fir ek direction mein standing. Okay? Can you see? देखो मैं और माय स्ट्रोक्स आर वेरी स्मॉल एंड आई एम नॉट इंजर्टिंग प्रेशर ऑन इट, मैं इसको दबा के नहीं चला रही हूं, सी मैं इसको बहुत लाइट और हर स्ट्रोक को 4 times रिपीट कर रही हूं और इस तरह से मैंने ये पूरे फेस को कलर कर दिया। आप देखो धीरे धीरे आराम आराम से, दिस वेज, ठीक है। आपको धीरे 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 पूरे फेस में कलर कर लेना है। आप देख रहे हो मैं जरा भी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही हूं ना, ऐसा तो नहीं कि मैं अब स्लीपिंग लाइन कर रही हूं, नो यू शुड नेवर डू दिस। और एक बात और याद रखो स्टूडेंट्स कि आपके स्ट्रोक्स छोटे, बड़े बड़े स्ट्रोक्स नहीं लेने, आपको छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेने हैं, ठीक है। देखो मैं कितना छोटा सा स्ट्रोक ले रही हूं, बड़ा तो नहीं ले रही ना, ऐसे आपको भी छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेने हैं और ये मम्मा का फेस आपने पूरा कलर कर दिया, ऐसे आपको नेक में करना है। यू ऑल कैन हियर मी, शो योर थम्स अप इफ यू कैन हियर मी, इज माय वॉइस रीचिंग यू, एम आई ऑडिबल, शो योर थम्स अप प्लीज, शो योर थम्स अप इफ यू कैन हियर मी।
हाँ दे कैन हियर, दे आर शोइंग देयर थम्स अप. ओके नाउ सी मामा इज डन, नाउ इट्स टर्न ऑफ बेबी. बट बिफोर स्टार्टिंग बेबी आई विल पुट पिंक कलर अगेन. हाँ दोज वो आर नॉट एबल टू लिसन मी प्लीज चेक योर नेट कनेक्शन बिकॉज जस्ट ऑल स्टूडेंट्स कैन हियर मी, तो यू प्लीज चेक योर नेट कनेक्शन. Now see, I have started it from corner. I'm not doing it this way, sleeping or standing line. I'm starting it from corner. And look at my strokes. These are very small. And I'm holding it from here. And there is no extra pressure on my color. Very gentle, very even strokes in one direction. And finish this girl. Finish the girl also. Okay. And finish this face. And this is very nice that I got this opportunity of teaching you something related to mom. Because students, you should show your gratitude. Because moms are working hard. They're always behind you, sacrificing their rest, their everything. So if you're not gratitude for this all love, you're taking it for granted. Nothing is as bad as it is. So you should have lots of respect. Okay? So Mother's Day is the best occasion for showing your gratitude, your respect, your love for your mom. Okay? Now after this, fill colors in hands also. Okay, finish the hand. You can see I'm not changing the direction. These are standing lines and slowly I'm just completing that. Finish your hands. Now for making hair, we will be using two colors, black and brown. Take two colors, black and brown, and with the help of these two colors, we'll be completing hair. So first, we will be applying brown color. Start from the corner and start with the brown. Apply brown color. And you can see I'm not changing my strokes. It's completely one direction. Standing lines and finish. And you all are going to send your work with your beautiful smile. Hold your work in your hand and send me the click with your drawings in your hands so that I can check and send you voice message for improvement. What improvement is required actually?
Okay, and now mix black. Now start mixing black. Brown and black, when it will get mixed, it will give a beautiful effect of hair. Small, small strokes. Mix brown and black. And your stroke should be very gentle. There should be no pressure. Okay? You can give a shape of hair and finish. Okay. Shape of hair and finish. You can see the gentle mixing of brown and black. It's looking so nice. And at the place of making it black completely, the mixing of brown and black is looking great. On sides, you can fill darker. On sides, fill darker tones. Okay. And if you want to put a flower, if you have this kind of ready-made flower, you can put a small flower in hair of mama. But we can put a handmade flower also in here, or we can cut and paste also. One artificial flower we are going to put here. Okay, now let's complete the hair of girl also. Give a shape of head from here. If you want the darker tone, you can make it dark. See, in corners I'm making it little dark. Kena kinaro pe I'm doing it little dark. Okay, see, mama's hair are done. Now let's complete hair of baby. Okay. If you want to make it black completely, you can make black. And if you want to mix a slight mixing of brown, it looks great actually. But here I'm going to make black prominent. Okay? Like in mama's hair, we show it golden brown. But here, the black will be prominent. Don't forget, your stroke should be in one direction and there should be no extra pressure. See, you all are getting now whatever I'm teaching. Show your thumbs up. Are you getting my instructions? Yeah, that's great. All of you, please show your thumbs up if you're getting me. Show your thumbs up. Okay, continue. Now see here, I did black prominent. Now you see golden and brown is looking, it is giving a very different touch to our drawing. And if your roses are red or pink, so avoid the same color in dress. Like in our rose bouquet, we have purple, we have red, we have yellow.
तो आई विल पिक अप सम अदर कलर इन दिस. तो आई विल बी पिकिंग अप, लेट्स गो फॉर ब्लू. शैल वी मेक ब्लू और पिंक रोजेस आल्सो. वी हैव ओनली वन. डू यू वांट मी टू डू पिंक? ओके चलो, यू कैन फिल योर फेवरेट कलर. ठीक है, तो आई एम डूइंग माय फेवरेट कलर. And here also you can see the direction should not change. If you have started with sleeping lines, you will go in the same ways. Same ways. Okay. Slowly and slowly you finish it. हाँ ठीक है. Okay. Fill pink color. And you can make matching ribbons. Yeah, all of you are getting this. Anya, Ristogi, are you getting this? Okay, and Ishiviti, are you getting this? Okay, show me your thumbs up. Okay, okay. Mahira Ali, are you getting this? Okay, okay. You are, I'm very happy to see your thumbs up. Nishtha, is this clear? Okay. Okay, keep on showing your thumbs up. Okay, it will indicate me that you are getting me. Okay, now see, Mama is ready. And here, this is also ready. One thing we can do. Back side we can do yellow. You can just make wash with light yellow, very light yellow color. See, side I'm doing yellow. See, and here you can see the wash is in one direction. I'm not changing my direction. Very smoothly, softly, you will be applying, okay? Smoothly, softly. Finish it. You can finish the lips also. And if you leave, if some work is left or you are not getting, don't worry. I'm going to upload it on my YouTube channel. So you can see the video again and make. Okay? Now it's time to decorate the bouquet. Now I will start arranging for my bouquet. After doing colors, I will arrange the bouquet, okay? Some small flowers, some big flowers. See, the flowers are ready. A pink one, I can keep it here. If you have different colors, and I want to show a bouquet. I want to show a bouquet here, okay? And I think few pink flowers should be made more. Please give your feedback. It's very valuable and it will be helpful to check me that wherever the some improvement is required, if what are your suggestions? Your suggestions are really valuable to me. Okay, so now I'm going to arrange the flowers. For arranging flowers, you can do pasting either with, I'm just putting Fevicol.
ठीक है एंड आई विल जस्ट डू पेस्टिंग ऑफ माई फ्लावर्स एंड डोंट फॉरगेट वी हैव लीव्स ऑल्सो सो वी आर सपोज टू डू मेक द अरेंजमेंट अकॉर्डिंगली एंड द बिगर वन येलो आई विल कीप हियर इन सेंटर लेट्स कीप रेड हियर पिंक हियर एंड दिस पिंक ऑन द टॉप ओके एंड लेट द फ्लावर्स कम आउट इफ इट इज कमिंग आउट ऑफ द शीट इट इज नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब योर अरेंजमेंट ओके दिस पर्पल आर कमिंग क्लोज ना तो वॉट विल डू विल जस्ट keep it here ठीक है we'll arrange it here and red we will keep in the center arrange your bouquet some small flowers also can be added if you want to add few because we're having less time to and now it's turn of arranging leaves see you're just supposed to put fevicol here and press it for some time and now leaves what you will be doing with leaves You'll put fevicol. Don't put fevicol on complete leaf. Just paste it like this. Paste it like this. This way is you paste it. See, if you will put fevicol on complete leaf, now what will happen? Its three-dimensional effect will disappear somewhere. So you just start arranging. See, this is coming out. Let the flowers and leaves go out of your sheet. Not going to. Okay. We can I have few golden leaves also, so I will be arranging few golden leaves also. Just a touch of fevicol and okay. And see, there is no need of booking a bouquet or what handmade. And don't forget, before gifting it, you are supposed to put some perfume. थोड़ा सा perfume डाल देना. तो इस bouquet में से खुशबू भी आएगी. And your mom will be surprised कि wow, these are paper flowers and इतनी अच्छी खुशबू आ रही है. ठीक है ना? पर ये बात अभी मामा को मत बताना. ये surprise है. ठीक है ना? हाँ. If you have artificial flowers like this, if you have this, ये दिवाली की सफाई पे जो डिस्कार्डेड फ्लावर्स होते हैं ना ये वो फ्लावर्स हैं आप इसका भी बुके बना सकते हो देखो जैसे मेरे पास एक सनफ्लावर है पुराना तो आप अगर आपको अपनी मेहनत बचानी तो आप यहाँ पे पुराने फ्लावर्स भी लगा सकते हो यू आर मोस्ट वेलकम विद दैट एंड दैट विल लुक ग्रेट एंड सेव योर टाइम पर हमें तो ये सब चीजें सिखानी भी है ना कि कैसे बनाना है तो मैंने इसको अब कंप्लीट आपको सिखाया है ओके अब ग्रीन के साथ मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ आप देखो मैंने ये पूरा फ्लावर रेडी कर लिया ठीक है ना लीव्स को अरेंज कर लो और अब आपको इसमें लगानी है छोटी सी बो ठीक है ना ये फ्लावर बुके है तो इसमें बो तो होनी चाहिए ना तो बो बनाने के लिए सारे बच्चे पहले इतना बना लो ठीक है आई हैव अ बो विथ नेट मेरे पास एक नेट के बनी हुई बो रखी है पर आपके पास ना हो तो हम इसको पेपर से भी बनाना सीख लेंगे ठीक है हम इसको पेपर स्ट्राइप से भी सीख लेंगे ये हमारा बुके ऑलमोस्ट रेडी होने आ गया ठीक है आपको छोटे कुछ बड़े इसमें हमने एक हैंड पेंट करके ये फ्लावर बनाया है ये सब मैरिज कार्ड के अलग अलग फ्लावर्स है कुछ छोटे फ्लावर्स भी ऐड कर सकते थे आप रेडीमेड फ्लावर्स भी ऐड कर सकते हो अगर आपके पास पुराने कुछ फ्लावर्स रखे हैं तो आप इसको इसमें ऐड कर सकते हो अब हमें बो बनानी सीखनी है ठीक है बो बनाने के लिए आई हैव दिस ईवा शीट मेरे पास ये स्पार्कल शीट है और नेट भी है अगर आपके पास ना हो तो आप कोई भी कलरफुल शीट से एक स्ट्राइप काट लो इतनी बड़ी स्ट्राइप काट लो ठीक है कोई भी कलरफुल शीट से एक बड़ी स्ट्राइप काट लो चाहे वो ठीक है ऐसे स्ट्राइप काट लो आज मैं आपको बो बनाना बताती हूँ
ओके एक इतनी बड़ी स्ट्राइप ले लो और स्ट्राइप के दोनों साइड, इस साइड भी आपको एक वी बनाना है, इस साइड भी एक आपको वी शेप काटना है। देखो मैं पहले ड्रॉ कर लेती हूँ तो आपको समझ आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको देखो मैं इस कार्ड को थोड़ी देर के लिए यहां पे कर लेती हूँ, ठीक है। आपको एक वी यहां पे एक वी बनाना है और दूसरे साइड पे भी एक वी बनाना है, ओके। और वी बनाने के बाद आपको इसको काट देना है, इस वी को काट दो। अगर बच्चे बहुत छोटे हैं और उनको लग रहा है कि हमको वी काटना नहीं आ रहा तो वो उसको नहीं काटेंगे तो भी चलेगा, ऐसे, ठीक है। चलो अब मैं आपको सिंपल तरीका बो, अब ये दो साइड है ना ऐसे रखो, ऐसे क्रॉस करके रखो। चलो सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ बो बनाओ, ऐसे क्रॉस करो और क्रॉस करने के बाद ये पीछे वाला जो पोर्शन है ना इसको इस पे चिपका दो। पहले सारे स्टूडेंट्स पहले एक स्ट्राइप बनाओ, वी विल बी डूइंग इट टुगेदर, मेक अ स्ट्राइप इतनी बड़ी, ओके। और फिर इसके बाद हमें क्या करना है, देखो सारे स्टूडेंट्स देखो, हमें इसको ऐसे रखना है क्रॉस, ऐसे क्रॉस में रख के इसकी पेस्टिंग कर देते हैं। चलो ठीक है, इसकी पेस्टिंग कर दी मैंने, ये लो ऐसे ऐसे इसकी पेस्टिंग कर दो, और पेस्टिंग करने के बाद आपको यहां पीछे के साइड लगा के ये जो है ना ये ऊपर वाला पोर्शन है इसको नीचे पेस्टिंग कर देनी है बस यूं, और इसको पकड़ लो। जब आप इसको पकड़ लोगे थोड़ी देर के लिए तो ये आपकी बो रेडी हो गई जो आपको इसके फ्लावर के ऊपर अटैच करनी है, ठीक है। हाँ, तो थोड़ी देर सूखने रख देते हैं तो ये सूख जाएगी, फिर हम इसको चिपका देंगे। तब तक हम अपनी और चीजें रेडी कर लेते हैं। मैंने ये बो बना दी और इस बो के ऊपर मैं एक वेट रख देती हूँ, ठीक है, कलर रख देती हूँ। यहाँ मैं दिख रही हूँ, आई कैन सी माई सेल्फ। ये इस पे नीचे किस में नेट चल रहा है, किससे नेट चल रहा है नीचे, आई डोंट नो। हाँ स्टूडेंट्स यू कंटिन्यू, ठीक है। अगर फ्लावर्स अब लग रहा है कि कम है, ये बो भी बनाने का मेथड मैंने आपको बता दिया है, आपको बो भी बना लेनी है, ठीक है। हाँ यू ऑल कैन हियर मी ना, हाँ बोल रहे हैं, नहीं आई एम नॉट एबल टू हियर देम। See, and the pasting of this bow is done. मैं इसके पेस्टिंग को यहां कर दे रही हूं, ओके यहां पे, to show that this bouquet is done. Just a minute. How to make bow? And students, those who are not able to make this bow,
they will do one more thing. Do one thing. You take golden paper. Those who are not able to make this, they will take. जो स्टूडेंट्स बो नहीं बना पा रहे हैं वो क्या करेंगे, एक पेपर लो, एंड मेक जापानीज फैन, मेक अ जापानीज फैन, ओके, मेक अ जापानीज फैन। अगर ये बो नहीं आ रही है समझ में तो आप ऐसे बनाओ, क्योंकि बहुत सारे छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको बो बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो वो आप बाद में। मेक अ फैन, ठीक है, मेक अ फैन एंड इन सेंटर ओपन इट फ्रॉम बोथ द साइड एंड इन सेंटर यू डू द पेस्टिंग ऑफ टेप, सेलो टेप। ओके सी कट, see the bow and you can do the pasting of this bow, this bow will be easy, see, you know, make this kind of bow, it is Japanese fan and here do its pasting with double sided tape. Okay, I'm going to do its pasting with double sided tape. Yes, I will be doing its pasting here. You can do its pasting with fevicol also, okay? And after this, I'll open and I'll just do its pasting like this. And now here, what is left? Here, a secret message is left. So for that, first you do this much. Okay, finish this. Now, see, I'm repeating the bow. For making this bow, what I did, I took a colorful paper. If you don't have colorful paper, you can color it also and make its Japanese bow. I am going to make a Japanese bow. See, I will be showing. I'm showing a Japanese bow. It's a Japanese fan, okay? And after making a Japanese fan, after making its Japanese fan, you will do its pasting from center. You will be putting sellotape in center. And when you will open, so it will be a bow. Yahan se lag raha hai ki thodi badi hai, so you can cut. Now, I'm going to use it for mama's hair. Main isko bahut chota sa bana deti hu. This much small for showing a I will be showing a very small bow for mama's hair.
ओके मम्मा के हेयर के लिए मैंने एक छोटी सी बो बना दी, देखो ये, और इस छोटी सी बो को मैं मम्मा के हेयर में यहाँ लगा दूंगी, ठीक है। यू कैन पुट अ हेयर फ्लावर ऑल्सो, अगर आपको ये बो नहीं लगानी, देखो मम्मा के हेयर में ये बो भी लगा सकते हैं, और अगर बो नहीं लगानी तो आप एक बहुत छोटा सा फ्लावर बना सकते हो रोज। मैं एक छोटा सा पिंक फ्लावर बना रही हूँ मम्मा के हेयर के लिए, जैसे हमने रोज सीखा ना वैसे ही बना रही हूँ, और वह मैं मम्मा के बालों में सजा देने वाली हूँ। अब देखो इसी तरह से स्पाइरल शेप लेते 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 मैंने एक छोटा सा फ्लैट रोज बना दिया, क्योंकि जब हमने रोज बनाना सीखा है तो हम हेयर में भी रोज ही सजा लेते हैं। एंड या वेरी गुड, नाउ स्टार्ट रोलिंग। स्टार्ट रोलिंग लाइक दिस, जैसे हमने और रोजेस बनाए ना, बस ये छोटा रोज है क्योंकि इसको हमें अपनी मॉम के हेयर में सजाना है। देखो ये छोटा सा रोज है, अगर आपके पास छोटा कोई फ्लावर पड़ा हो तो आप उसको भी लगा सकते हो, कोई स्टोन पड़ा हो या आपकी कोई क्लिप हो, क्लिप टूट में टूट जाते ना कुछ कहीं भी कई बार, आप उसको भी सजा सकते हो। ये मैंने छोटा सा फ्लैट रोज बना दिया, एंड द स्मॉल रोज आई एम गोइंग टू डू इट्स पेस्टिंग हियर इन मम्माज हेयर, ठीक है। मम्मा के हेयर में यहाँ पे एक रोज बना दिया। अब मुझे एक स्ट्राइप लेनी है जिस पे मुझे लिखना है, तो आई विल जस्ट फोल्ड। मैंने देखो एक ऐसी स्ट्राइप ली है जो एक साइड से लिखी हुई है, आप खाली भी ले सकते हो, और फिर आपको अब काटना है एक हार्ट शेप। नाउ हमें एक हार्ट शेप बनाना है, तो देखो हार्ट शेप बनाने के लिए व्हाट वी विल बी डूइंग, हमने ये थ्री पॉइंट्स बनाए, 1, 2, 3, एंड वी विल बी राइटिंग 3, ठीक है। और अब हमने इसको सेंटर तक यहां लिया और इस लाइन को इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। दिस इज द टेक्निक ऑफ मेकिंग हार्ट, ठीक है। अब मैं इस हार्ट को कट कर लूंगी, ये मैंने एक ओल्ड वेडिंग कार्ड पे लिया है, मैं इसको कट करती हूं। सी आई एम कटिंग इट ऑफ, ठीक है, कटिंग केयरफुली कर लो। एंड Look at this, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके पीछे अपना सीक्रेट मैसेज नोट रखना है, तो आई विल डू इट्स पेस्टिंग, ऐसे रखना है कि ये पीछे से दिखे ना, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल बी डूइंग इट्स पेस्टिंग। मैं इसको पेस्ट कर दूंगी फेविकॉल की हेल्प से, देखो ये मैंने पेस्टिंग कर दी, ठीक, आई डिड द पेस्टिंग। मैं इसके अंदर अपना मैसेज लिखने वाली हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, हार्ट के अकॉर्डिंग इसके साइड्स काट दूंगी, आई विल कट, आई विल कट द साइड्स, और मैं इसको यहां पे चिपका दूंगी, तो क्या होगा, व्हेन आई विल ओपन, आई विल बी ओपन टू, आई एम एबल टू राइट माय मैसेज हियर। मैं अपने इतना मैसेज लिख रहा हूं, इसको बंद कर दूंगी, तो ये ऐसे पॉपअप रहेगा। मैं इसकी पेस्टिंग कर लेती हूँ, लाइक दिस। इसमें आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, लव यू मॉम, यू आर बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड, और बहुत सारी चीजें। और आप देख पा रहे हो इसमें एक छोटा सा नोट पैड है जिसमें आप कुछ लिख पा रहे हो, और ये आपका मदर्स डे स्पेशल कार्ड है, इसके ऊपर आप हैप्पी मदर्स डे लिख लो, लिख लेना, और अंदर अपनी मम्मा के लिए एक अच्छा सा मैसेज, और डालना नहीं भूलना, तभी तो। तो ये है मदर्स डे स्पेशल कार्ड, बुके कम कार्ड,
ठीक है, इसे आप मॉम के रूम में कहीं सजा सकते। अच्छा अब बताओ कितने बच्चों को ये कार्ड अच्छा लगा, तो सारे जिन बच्चों को ये कार्ड अच्छा लगा थम्स अप दिखाओ जल्दी, थम्स अप, ओके दैट्स गुड, कौन आया तो थम्स अप दिखाओ, शो योर थम्स अप, थैंक यू थैंक यू, वेरी नाइस थैंक यू। आप सबको ये बनाना आ गया अच्छे से, सबको सबको ये पसंद आया, ठीक है ना? तो ये कार्ड आपको अपने आप बनाना है और अपनी मॉम को सरप्राइज, और यहाँ पे आपको मम्मा के लिए और सारे स्टूडेंट्स को इस कार्ड को बना के अपने हाथ में होल्ड करके और अपनी प्यारी प्यारी स्माइल के साथ मुझे इसकी फोटो भेजनी है, ठीक है? मैं आपके कार्ड्स का करेक्शन करूंगी और जहां इम्प्रूवमेंट की जरूरत होगी आपको वॉइस मैसेज दूंगी, ठीक है? अच्छा, आप में से किसी की मॉम आपके पास है? स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये क्लास जरूर पसंद आई होगी। आप इन कार्ड्स को बनाना तो देना, इसमें परफ्यूम डालना नहीं भूलना, और मदर्स डे वाले दिन भी और रोज भी मम्मा की सब बातें माननी है, मम्मा को छोटी छोटी बातों के लिए परेशान नहीं करना है और उन्हें हेल्प करें। वाओ, वेरी गुड। और पेरेंट्स प्लीज, योर फीडबैक इज वैल्यूएबल टू मी, प्लीज गिव योर फीडबैक्स ऑन योर मैस ऑन फोन और विद मैसेजेस, कन्वे योर फीडबैक, योर सजेशंस आर ट्रूली वैल्यूएबल टू मी, थैंक यू सो मच। वी आर गोइंग टू वाइंड अप द क्लास नाउ, बाय बाय, एंड सेंड योर फोटोज पॉजिटिवली, होल्ड योर पेंटिंग इन योर हैंड एंड विथ योर लवली स्माइल सेंड योर फोटोज, ओके? आई एम वेटिंग फॉर योर फोटोग्राफ्स, बाय बाय, एंड आई विल शेयर द लिंक, आई विल शेयर द लिंक, यू कैन सी दिस ऑन माई यूट्यूब चैनल। अगर आपका कुछ छूट गया है या कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप यूट्यूब चैनल पे देखकर उसे बना सकते हो। इवन ममाज पे, ममा मदर्स डे स्पेशल बर्थडे केक विदाउट फायर भी आप बना सकते हो, ठीक है ना? It's already on my YouTube channel. Okay, I'll take your leave. Bye-bye. May God bless you.